हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मनीष सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन अकेडमी में। तो हर रोज़ की तरह परीक्षा खबर लेकर आए हैं हम 12 सितंबर की, और जानेंगे कौन कौन सी खबरें यहां पर महत्वपूर्ण रही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहां पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो एक टारगेट हम यहां पर देते हैं कि एक टारगेट है हमारा यहां पर कि 1K सब्सक्राइबर के लिए ये टारगेट है। आप जल्द से इस टारगेट को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज का जो हमारा पहला खबर है वो है कि महिला आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर धामी गवर्नमेंट, और विजिलेंस जांच में आए हुए जितने भी कर्मचारी है उनको यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर हटा दिया है ताकि वो जो जाँच चल रही है विजिलेंस की तरफ से उसको यहाँ पर प्रभावित ना कर पाए। तो इसलिए इन कर्मचारियों को यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ समय के लिए हटा दिया गया है। और जिस तरीके से वीडियो वाले एग्ज़ाम में जो है गिरफ्तारियाँ की गई थी, और ऐसी गिरफ्तारियाँ वन दरोगा भर्ती में भी शुरू हो चुकी हैं। 5 सरकारी कर्मचारियों को रडार पर लिया गया है, उनको संदिग्ध बनाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो विजिलेंस ने इनको यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया है। और पेपर लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी रद्द कर चुका है ऐसी परीक्षाएं। यदि परीक्षा जो भर्ती है उसमें अनियमितता पाई जाती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी इन भर्तियों को रद्द कर चुका है। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अध्यादेश के कवच से लैस होकर सुप्रीम जंग में उतरेगी यहां पर राज्य सरकार, यानी इससे पहले यहां पर अध्यादेश लाने की तैयारी कर चुकी है यहां पर जो राज्य सरकार है। धामी सरकार यहाँ पर पहले अध्यादेश लाएगी, उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि जो राज्य सरकार है वो डोमिसाइल यानी जो स्थायी निवास है उसको एक आधार बनाकर जो आगे आने वाली लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में उसको यहाँ पर लड़ती है। तो 30% का जो आरक्षण था उसको हाई कोर्ट ने यहाँ पर रद्द किया था, उसके बाद महिलाओं के आरक्षण पर एक संकट यहाँ पर दिखाई पड़ा, और उसके लिए अध्यादेश और आगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन को भी यहाँ पर रखा जाएगा। ऐसा ही डिसीजन 1955 में दिया गया था मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर जो आर्टिकल 15 के तहत जन्म स्थान और निवास स्थान में अंतर बताया गया था, उस आधार पर यहाँ पर आरक्षण को दिया गया था। एक ऐसा ही मामला 1973 में उत्तर प्रदेश में भी घटा, और उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले में प्रवृत्ति और उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण को मान्य किया था। एक ऐसा ही मामला हमें दिखाई पड़ा था हरियाणा के आधार पर जो डोमिसाइल के आधार पर निजी क्षेत्र के जो निवासी थे उनको 70% आरक्षण यहाँ पर दिया गया था। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आए हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, और साथ साथ जो उत्तराखंड की जो प्रवर्तीय स्थिति है उसको भी यहाँ पर मैटर जो आधार बना जाएगा कि महिलाओं की जो स्थिति है प्रवर्तीय जिलों में वो किस तरीके की है उसको भी आधार बनाकर, और डोमिसाइल को आधार बनाकर उन पिछले आए हुए कुछ जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के उनको आधार बनाकर इस पूरी लड़ाई को यहाँ पर लड़ने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। पेपर लीक मामले में जो कर्मचारी आए हैं उसको विजिलेंस की जांच में जो कर्मचारी आए हैं उसको आयोग ने यहाँ पर हटा दिया है, और चाहे वो दीपा हो, बीएल बहुगुणा हो, उनको भारतीय प्रतीक्षा में रखा गया है, और इस सब का जिम्मा जो है वो कैलाश को दिया गया है यहाँ पर, आरटीआई का जिम्मा। तो यूकेएसएससी ने यहाँ पर ये पूरा डिसीजन लिया है ताकि वो किसी भी तरीके से जाँच को प्रभावित ना कर सके। इसके अलावा 16 कर्मचारियों को इधर से उधर उनका ट्रांसफर भी किया गया है। पेपर लीक मामला जो है वो उसमें तत्कालीन सचिव संतोष बड़ोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक एस एन डांगी को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है पिछले दिनों में, और यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल ने पेपर लीक मामले के जांच पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर कि जब एक ही प्रकरण है यहाँ पर और उसकी जांच आप अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पर करा रहे हैं, एक की जाँच हम बताते हैं, एक की जाँच यहाँ पर एसटीएफ कर रही है और एक तरफ जाँच यहाँ पर विजिलेंस टीम भी कर रही है, तो एक ही प्रकरण की जांच आज आप जो है दो संस्थाओं से नहीं करा सकते हैं। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पर सवाल उठाया है कि एक ही प्रकरण की दो अलग अलग एजेंसियों से कराई जा रही है जांच, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। वन दरोगा भर्ती में जितने भी कर्मचारी गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं, और पेपर लीक मामले में गुमराह कर रही है सरकार सेवाल जी का ये कहना है उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो ये कहना है पूरा। और अब तक हम बात करते हैं कुल मिलाकर 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है यहाँ पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा टारगेट जो है वो सब्सक्राइबर का है 1K, तो उसको आप जल्द से यहाँ पर पूरा करें। तो अब तक 11 जो है गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं, और एक ही विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं, और दो जिलों का नाम यहाँ पर आ रहा है, हरिद्वार और देहरादून, इन सभी जिलों में यहाँ पर तैनात हैं ये कर्मचारी। तो एक बड़ा ही विवाद यहाँ पर खड़ा होने वाला है वन दरोगा भर्ती को लेकर भी, जिस तरीके से वीडियो भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ था उसी वन दरोगा भर्ती में भी भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने के लिए प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, और कुछ विचार विभाग की भी मांग यहाँ पर की है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए
राज्य सरकार अपने वायदे के अनुरूप अविलंब लोकायुक्त कानून को लागू करे। भर्ती घोटाले में विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की संलिप्तता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो और हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर शीघ्र जो है भू कानून को लागू किया जाए। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था कांग्रेस के आंदोलन का। अब बात करते हैं अपनी मेन खबर के बारे में कि परीक्षा लीक होने की स्थिति में पहले भी रद्द कर चुकी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उन परीक्षाओं को। अगर हम बात करते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता है चंद्रशेखर ककृति, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि चयन में भारी प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ऐसे लोग होते हैं जो अनुचित तरीके से यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को दिए गए एक फैसले में उल्लेख किया था कि यदि किसी सार्वजनिक रोजगार में यानी किसी भी एग्जाम में यहाँ पर प्रणालीगत धोखाधड़ी या कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसके आधार पर यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को नाजायज घोषित किया जाएगा, उस पूरी प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाएगी और इस आधार पर परीक्षा को यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर एक सार्वजनिक निकाय को निष्पक्ष तरीके से चयन की प्रक्रिया में अंजाम जो है देना चाहिए। यदि उसकी जो प्रक्रिया है जो चयन की प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण है तो उस आधार पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस परीक्षा को रद्द कर सकता है। अगर हम मानते हैं कि आपने किसी भी परीक्षा लीक पेपर मामले में कोई भी जांच यहाँ पर किसी भी संस्था को सौंपी है, चाहे वो एसटीएफ है और चाहे वो यहाँ पर सीबीआई है, तो अगर हम देखते हैं कि जो ये मामला था निसंदेह परीक्षा रद्द होने पर उन लोगों को नुकसान होगा जिन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने गलत भी नहीं किया है, लेकिन यदि एक भी व्यक्ति इनकी जाँच से बचता है तो ये पूरी प्रक्रिया पर विडंबना है, पूरी प्रक्रिया की खामी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वीडियो जो परीक्षा है उसको यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 15 मार्च 2000 यहाँ पर 16 को दिल्ली सरकार के फैसले को यहाँ पर सही ठहराया था कि उन्होंने हेड क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए आयोजित टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की परीक्षा को यहाँ पर रद्द किया था। तो ये पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट का। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है जो थामी सरकार है वो वीडियो परीक्षा को रद्द नहीं करती है, तो एक सही जो है सिनेरियो हमें मिल सकता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है ये डिसीजन को ही फॉलो करता है यहाँ पर हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस परीक्षा को रद्द किया है अनियमितता के आधार पर तो हाई कोर्ट भी उसको यहाँ पर रद्द करने वाला है। तो यहाँ से हमें एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अगर हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं रहता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।